हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें, डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। काफ़ी सारे कमेंट्स लगातार एक दो दिन से मेरे पास आ रहे हैं कि सर, ये जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ट्रांसफ़र अगर सारे स्टूडेंट का हो गया तो कोई भी सीट बाकी नहीं रह पाएगी, और जिन स्टूडेंट में लिखा रहा है कि नो सीट अलॉटेड एज पर योर रैंक एंड चॉइस लॉक्ड एस, मतलब जिन लोगों को अभी तक फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, उन लोगों का क्या होने वाला है, क्या उनके लिए कोई चांस है या नहीं, क्योंकि जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र के बाद बहुत कम सीटें या सीटें अवेलेबल ही नहीं रहेंगी, इस बारे में आप जानकारी दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के लगातार कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो एक बात आप कंफर्म कर लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, बात यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो थर्ड राउंड काउंसलिंग कराई है, इसमें जो आपके सीट लॉक हो रहे हैं वो आज शाम तक, रात तक होते रहेंगे। 15 तारीख से लेकर जो स्टार्ट हुए थे और 18 तारीख तक जो खोला जा रहा है पोर्टल ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को यही नहीं कन्फर्म है कि ये जो असलियत में थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है या केवल थर्ड राउंड काउंसलिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले ये बात आप कन्फर्म कर लें। कन्फर्मेशन ये है कि केवल थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं, उन लोगों का केवल और केवल ट्रांसफ़र हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो अगर सारे स्टूडेंट का जिनका ट्रांसफ़र होना है उनका ट्रांसफ़र हो गया तो सीटें बाकी नहीं रह पाएंगी, तो जो स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाई है तो उनका क्या होने वाला है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें क्या ट्रांसफ़र हो जाने के बाद सीट अवेलेबल रहेगी तो क्या नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या रीज़न होने वाला है, क्या रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप कंफर्म हैं कि सीटें अवेलेबल रहेंगी। वो कैसे रहेंगी ये भी मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। बात यह है कि हर एक कॉलेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज आगरा का स्टूडेंट है और उसे GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर मिला है और वो ट्रांसफ़र चाहता है, और यही ऐसा ही कोई कॉलेज है जैसे शाहजहाँपुर का कोई स्टूडेंट है और उसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा मिला है, तो ये इंटरचेंज हो जाता है आपस में, इसीलिए ये ट्रांसफ़र करवाया जाता है। लेकिन इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि काफ़ी सारे कॉलेजों में सीट फुलफिल्ड हो जाएंगी। ये फर्क ये पड़ता है कि जिन कॉलेजों में 4-5 सीट अवेलेबल है, केवल 4-5 सीट, उन कॉलेजों की भरने की संभावना फुल रहती है। लेकिन जिन कॉलेजों में, सुनने में आया है काफ़ी सारे स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे थे कि 20-20, 25-25, 100-100 में 20-20, 30-30 अभी भी सीटें अवेलेबल हैं एक्सरे में, तो उनमें सीटों की संभावना भरने की नहीं रहती है। तो ये बात कन्फर्म है कि जो आप ट्रांसफ़र हो रहा है वो सीटें भरने की नहीं, इंटरचेंज हो जाता है आपस में, नियर बाई आप कॉलेज ले सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका सीट फुलफिल्ड हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं नो सीट अलॉटेड एज पर योर रैंक एंड चॉइस लॉक्ड एस वाले, वो कन्फर्म रहे, उनके लिए वीडियो आने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये अभी तक केवल ट्रांसफ़र के लिए है, अभी ये रियलिटी में थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं है। इसका वीडियो आने वाला है, वेट करें। और जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका आपको आंसर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।